आज हम बनाएंगे काले चने। काले चने देखने में देखिए कुछ इस प्रकार होते हैं और ये छोटे वाले चने हैं, इसे देसी चने भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो इसे आप हफ्ते में एक बार अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। इन चनों को हमने 2-3 पानी से धो के रात भर पानी में डाल के सोख करने के लिए रख दिए थे। अब देखिए इतने अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए चने, आप देख सकते। अभी हम इसका पानी निकाल लेंगे, क्योंकि ये रात भर का पानी था तो ये पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमने 2 छोटे प्याज ले लिए हैं, उसको रफली चॉप कर लिया है। 2 छोटे साइज के टमाटर लिए, उसको भी रफली चॉप किया है। 10-12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है। इस सब को हम मिक्सर जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह पिस गया है, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्ची एकदम अच्छे से पिस गई है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और गैस को जलाएंगे। आंच को मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, ये देखिए ये करछी से हमने 1.5 करछी तेल डाला है। यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, उसमें 2 हरी इलायची ली है, क्रश कर लिया उसको। 1 बड़ी इलायची ली, इसको भी क्रश कर लिया है। 3-4 लौंग ली हैं और 3-4 काली मिर्च ली हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 तेज पत्ता लिया है और 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी सब मसालों को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मसाले हमारे तेल में अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, जीरा भी हमारा कड़क गया है। अब हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था टमाटर लहसुन अदरक, वो हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए मसाला जब हम भूनते हैं तो थोड़ा उछलता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ढक्कन को थोड़ा सा ढकेंगे और मसाले को हम पकने देंगे जब तक मसाला ड्राई ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। इस मसाले को भूनने में हमको 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डालते हैं। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है और 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हम भूनेंगे और अच्छी तरह, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से मसल के। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। अब हम इसमें जो चने हमने पानी से निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। ये देखिए ये चने बनाते समय आप हमेशा यही चने लीजिएगा तो बहुत स्वाद बनेंगे आपके चने, छोटे वाले देसी चने। अब हम अपने चने डालेंगे इसमें। अब चनों को भी मसाले में 1-2 मिनट तक भून लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून अभी नमक डाला है, बाकी अपने स्वाद के हिसाब से हम डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चनों ने सारा मसाला कोट हो गया अच्छी तरह से। पहले 1 गिलास पानी डालेंगे और 1 गिलास और डाला है, टोटल हमने 2 गिलास यहाँ पानी डाला है। अगर आपको रसा ज़्यादा चाहिए तो आप और भी इसमें पानी डाल सकते हैं। ये देखिए
कुकर को बंद कर देंगे। तेज आंच पे हम एक सीटी लगाएंगे इसमें और फिर 4 से 5 सीटी हम स्लो आंच पे लगाएंगे। कुकर में से प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब हम इसे खोलते हैं। देखिए हमारे चने बहुत ही अच्छे बने हैं। अब देखते हैं कैसे गले हैं ये। ये देखिए बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारे चने बनकर तैयार हुए हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपको ग्रेवी इससे ज़्यादा चाहिए तो आप और भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं।